दोस्तों कैसे हैं आप। मैं इकबाल आपका आईक्यू टेक्निकल में इस्तकबाल करता हूं। फाइनली वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन V17 लॉन्च कर दिया है, जो फ्लिपकार्ट पर 16 दिसंबर और अमेजन पर 17 दिसंबर से अवेलेबल होगा। ये कैमरा सेंट्रिक फोन है, तो शुरुआत करते हैं इसके कैमरा से। वीवो V17 के रियर में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। क्वाड कैमरा का सेटअप एल शेप में दिया हुआ है, जिसका मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, जो बहुत ही बढ़िया शॉट्स लेता है। इवन जूम करने पर भी पिक्सल फटता नहीं है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जिससे आप नेचर की ब्यूटी और खूबसूरत मंजर को कैप्चर कर सकते हो। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट में इन डिस्प्ले पंच होल 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, जिससे फेस अनलॉक तो कर ही सकते हो और साथ ही अपने सुंदर मुखड़ी की अति सुंदर तस्वीरें भी खींच सकते हो। और फ्रंट कैमरा में HDR, AI मेकअप, सुपर नाइट मोड वगैरह वगैरह फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। नो डाउट वीवो का V17 आपको फोटोज में निराश नहीं करेगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। 6.4 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया हुआ है पंच होल के साथ, जो बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल है। और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, जो बहुत ही फास्ट काम करता है। बैक इसका पॉलीकार्बोनेट का है, अगर ग्लास बैक देता तो फोन की खूबसूरती और बढ़ जाती। अब बात करते हैं फोन की जान प्रोसेसर की। वीवो V17 में भी वही प्रोसेसर दिया हुआ है, जो हाल ही में लॉन्च हुए वीवो U20 में था। जी हाँ, स्नैपड्रैगन का 675 में प्रोसेसर दिया हुआ है। प्रोसेसर दमदार तो है, लेकिन पुराना भी है। एटलीस्ट 710 तो देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। और फोन को जागता और भागता रखने के लिए इसमें 4500 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है, और उसे चार्ज करने के लिए 18 W का फास्ट चार्जर साथ में मिलता है, जो अच्छी बात है। फास्ट चार्जिंग की अहमियत उस वक्त मालूम होती है जब बैटरी डेड हो रही हो और हमें बाहर जाना जरूरी हो। टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक और माइक्रो एसडी कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाता है। ये फोन दो कलर्स में अवेलेबल है, एक ग्लेशियर आइस व्हाइट और मिडनाइट ओशन ब्लैक, और एक ही वेरिएंट में आता है, यानी 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। और वीवो ने सारे पैकेज की प्राइस रखी है 22,990 रुपये। फोन ओवर प्राइस है, नो डाउट, बहुत ही अच्छा फोन है, लेकिन ओवर प्राइस है। वीवो का Z1X मोबाइल जो है वो भी लगभग सेम फीचर्स के साथ आता है। फर्क उसमें इतना दिया हुआ है कि उसमें पंच होल डिस्प्ले नहीं है, और उसमें ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। माइक्रोशॉट का सेंसर उसमें नहीं दिया है, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उसमें प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 712 दिया हुआ है, और 22.5 W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। सुपर AMOLED डिस्प्ले, 32 MP सेल्फी कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वीवो Z1X में भी देखने को मिल जाता है, और उसके 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज की प्राइस है 17,990। मैं ये नहीं कह रहा कि वीवो का V17 ना ले, लेकिन जब उससे कम प्राइस में उससे बेटर प्रोसेसर, उससे फास्ट चार्जिंग फोन हमें उसी कंपनी का मिल रहा है, बस एक पंच होल डिस्प्ले और 2 MP मैक्रो सेंसर की सेक्रीफाइस के साथ, तो आप बताएं कि आप वीवो का V17 लेंगे या Z1X। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक पर नई बात होगी। जब तक अपना और अपनों का केयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।